लगता है कि बप्पा का आशीर्वाद तो मिल चुका है पारुल चौहान को भी। जी हाँ, वही पारुल चौहान जो ये रिश्ता में कार्तिक की मम्मी बनती है, क्योंकि वो अब असल जिंदगी में सात फेरे जो लेने जा रही है चिराग ठक्कर के साथ। और इसका अनाउंसमेंट उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्म के जरिए किया। जी हाँ, उनकी शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है आई एम सॉरी मम्मा। पारुल चौहान उफ रागिनी, जब भी कानों में ये नाम आता है तो विदाई का ख्याल सबसे पहले आता है। यूं तो सीरियल में पारुल चौहान की कई बार शादी हुई है और शादी के बाद विदाई भी हुई है, लेकिन आज असल जिंदगी में पारुल के लिए वो वक्त आ गया जब उन्होंने अपना हम सफर चुन लिया। अचानक से पारुल चौहान ने अपनी शादी की खबर सुनाकर सबको चौंका दिया। जी हाँ, चिराग ठाकुर के साथ 3 साल की गहरी दोस्ती के बाद अब उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया है चिराग के साथ। कहते हैं ना कि प्यार की शुरुआत अगर दोस्ती से हो तो उस प्यार को एक अलग ही नाम मिलता है, और वो नाम है शादी का। सुनने में आ रहा है कि दिसंबर के महीने में पारुल और चिराग शादी के बंधन में बन जाएंगे। एक्चुअली किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया, ये बहुत अच्छी दोस्ती थी 3 साल की, जिसको हमने एक रिलेशनशिप का अब जाके फाइनली नाम दिया है। क्योंकि हम आई थिंक प्यार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं पसंद करती थी चिराग को एज ए ह्यूमन बींग। बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। तो जो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो लड़कियों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लड़कों में, कि वो मेरे साथ साथ जितने लोग हैं आपके आसपास और भी जो लोग हैं, उनकी हेल्प करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी केयर करना, वो सारी क्वालिटीज़ में है चिराग में, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। देन उसके बाद लास्ट ईयर जब मेरे मॉम आए दिवाली पर, उन्होंने बोला कि उन्हें दामाद हो तो ऐसा हो, तो मैं ऐसी हूँ, उन्होंने है मतलब दोस्ती को कहाँ तक लेके जा रहे हो आप। तो इसलिए कि अगर तू सोचती है तो हम बात कर सकते हैं तुम्हारे बिहाफ में, बट ऐसा लगा कि नहीं, दोस्ती के बीच में अगर कुछ आया तो ये रिश्ता ख़राब ना हो जाए, सब कुछ ख़राब ना हो जाए। लेकिन फाइनली धीरे 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 पता नहीं कहाँ से कैसे क्या हुआ और सब कुछ फाइनल हो चुका है। यस यस, ऑलवेज स्माइलिंग। या तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि लाइक दुखी भी होगी या थकी हुई भी होगी तो हंस हंस के बोलेगी मैं थकी हुई हूँ। सो दैट इज़ वेरी स्वीट, मतलब बहुत अच्छी बात है ये। और हर इंसान को चाहिए कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो एक अच्छा ह्यूमन हो, एक अच्छा इंसान हो। ब्यूटीफुल तो वो है ही, वो तो चेरी ऑन अ केक हो गया मेरे लिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसी लाइफ पार्टनर मुझे मिली है। बस इसके साथ आप सब लोग का विशेज और ब्लेसिंग्स मिल जाएगी तो और मज़ा आ जाएगा। पारुल और चिराग की फैमिली तो पहले से ही एक दूसरे को जानती है, और दोनों के घर वाले सच में ऐसे ही दामाद और बहू चाहते थे, सो मिल गए। इस बात में मैं बहुत लकी हूँ कि ये इतनी सुलझी हुई लड़की है, और जो संस्कार मिले हैं इसको वो इतने अच्छे हैं कि मुझे उसको शायद बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है शायद मुझे कुछ सीखना पड़े इससे और मुझे कुछ सीखने मिल जाए इससे। सो आई एम वेरी लकी कि मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, वो अपने आप मेरे बोले बिना ही पहले से करती आ रही है, तो फिर बोलने का मौका ही नहीं मिला मुझे कुछ। वेरी लकी कि अगर बोलते लड़की की विदाई होती है, अगर एक माँ को छोड़ के जाती है दूसरे घर में उसको माँ मिलती है। अब लिटरली चिराग की मॉम इज़ लाइक, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, शायद से मेरी मम्मी चिल्ला देती होंगी, लेकिन अभी जो होने वाली मॉम है मेरी वो कभी नहीं, जो अच्छा लगे जो सही लगे इसको संभाल लो, बस खुश रहो बस। बट हमने डिसाइड किया है कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर उसके बाद जैसे मेरा घर है लखीमपुर में, वहाँ पे एक गेट टुगेदर होगा जिसमें हम पूरी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हम मुंबई से कम 50 से 75 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। फिर आके यहाँ पे बहुत अच्छी पार्टी करने वाली, जिसमें मैं आप सबको बुलाऊंगी, ऑफ कोर्स आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं है, तो साथ में मिलके पार्टी करेंगे, जोर वाली पार्टी करेंगे। पारुल चौहान और चिराग ठक्कर जल्द ही एक शॉर्ट फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म का नाम है आई एम सॉरी मामा। इस फिल्म में जरीना वहाब भी नजर आएंगी। माय मॉम वाज मोर लाइक
मोर लाइक फ्रेंड टू मी एंड मेरी सास थोड़ा सा मुझे लगता था कि सास सास जैसी नहीं कि मेरी सास तो मुझसे भी ज़्यादा फ्रेंडली है एंड आई वाज वेरी लक्की टू हैव माय सास शी वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग अगर कभी मुझसे गलती हो जाती तो इन फ्रंट ऑफ माय हस्बैंड शी यूज्ड टू से वो मुझसे हो गई शी यूज्ड टू से आई नो दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हर आई कैन नेवर फॉरगेट दैट शी वाज अ डार्लिंग यही चीज़ आप आगे अपने बच्चों को आप पास ऑन करना चाहती हैं या क्या बोला पास ऑन तो करना चाहेंगे बच्चे अगर आज के मानेंगे तो वो बात अलग है ज़माना बदल गया है लेकिन ज़माना बदल जाएगा लेकिन माँ कभी नहीं बदलेगी इसलिए मैं तो चाहूँगी हर एक इंसान माँ और सास को उतना ही प्यार दो जितना आप दे सकते हो अब पारुल और चिराग आप दोनों की जोड़ी सच में एक साथ बहुत ही खूबसूरत लगती है शादी का ख्याल आप दोनों का एकदम परफेक्ट ख्याल है लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि आपको सास बहू और साजिश को भी न्योता देना है अपनी शादी का हम मुंबई से ज्योता मित्रा सुवर्णा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट ये है एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।